आजकल एक ऐसी बुजुर्ग महिला का सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो वायरल हो रहा है जो कि हजारों फीट की ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी घबराहट नहीं है। बिलासपुर की रहने वाली 71 वर्षीय संतोष मिश्रा अपने बेटे का जन्मदिन मनाने परिवार सहित कुल्लू पहुंची, जहां केक काटने के बाद बुजुर्ग महिला ने पैराग्लाइडिंग करने की इच्छा जाहिर की। आजकल एक ऐसी बुजुर्ग महिला का सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो वायरल हो रहा है जो कि हजारों फीट की ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी घबराहट नहीं है। बिलासपुर की रहने वाली 71 वर्षीय संतोष मिश्रा अपने बेटे का जन्मदिन मनाने परिवार सहित कुल्लू पहुंची, जहां केक काटने के बाद बुजुर्ग महिला ने पैराग्लाइडिंग करने की इच्छा जाहिर की। वहीं बुजुर्ग महिला की उम्र देखकर पैराग्लाइडर्स ने उन्हें मना कर दिया, लेकिन संतोष मिश्रा के आगे किसी की भी ना चली और उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पैराग्लाइडिंग की। वहीं संतोष मिश्रा के फ्लाइट लैंड करते ही ग्राउंड में मौजूद रहे लोगों ने उनका तालियों से स्वागत किया और उन्हें बधाई भी दी। वहीं संतोष मिश्रा का कहना है कि पैराग्लाइडिंग करके उन्हें बहुत मजा आया और ये पल उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। मैं अपने बेटे के साथ कुल्लू गई और उसके साथ अपने उसका जन्मदिन मनाया। जब जन्मदिन मनाने के बाद हमने पैराग्लाइडिंग वालों से बात की कि मेरा शौक है कि मैं पैराग्लाइडिंग करूं, तो उसने कहा कि आपकी एज जो है 71 साल है, हम ऐसे बूढ़े आदमी को नहीं बिठाते। तो फिर मैंने कहा भाई ये ऐसे नहीं है, मैं करना चाहती हूँ, तो इसलिए मेरे को बिठाओ और ले चलो आप। फिर उन्होंने वो मान गए और मानने के बाद मेरे को पैराग्लाइडिंग की कराई उन्होंने। और उसके बाद जब हम रास्ते में पैराग्लाइडिंग के बीच मैंने उससे बात की जो मेरा पायलट था, मैंने कहा भाई मेरे को बता ये स्टिक कैसे खोलनी है, कैसा करना है, कुछ मेरे को बता। तैने पहले मेरे को कुछ नहीं बताया, फिर उसने मेरे को सब कुछ बताया और मैंने करती गई। मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगा नहीं और मेरा हौसला और भी बढ़ता गया और मैं खुश हुई। जैसे ही मैं नीचे पैराग्लाइडिंग से ग्राउंड में उतरी, वैसे ही उन सब ने मेरे को तालियां बजाकर मेरा स्वागतम किया। बहुत खुश हुए जो बच्चे वहां थे, वो बोलने लगे दादी माँ आप तो कमाल कर गए। वहीं अभिषेक मिश्रा का कहना है कि उन्हें इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी माता इतना सफल पैराग्लाइडिंग कर पाएंगी और उनके पैराग्लाइडिंग करने से पहले कई पर्यटक पैराग्लाइडिंग करने से घबरा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी माता की सफर लैंडिंग हुई तो कई पर्यटकों ने पैराग्लाइडिंग करने की इच्छा जाहिर की। वहीं अभिषेक मिश्रा ने उनके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए अपनी माता का दिल से धन्यवाद किया। मैंने पहले फ्लाइट ली थी, मेरी माता जी ने बाद में फ्लाइट ली, और मेरे को तो जब मैंने इनका वीडियो देखा तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि इन्होंने इतने अच्छे से काम रही है और इतना अच्छे से इंजॉय किया इन्होंने, मैं बहुत खुश हुआ। नीचे जब ये लैंडिंग साइट पर पहुंचे, इनकी लैंडिंग पायलट ने बहुत सेफली करवाई थी, और वहाँ जो लड़के लड़कियाँ थे ग्राउंड में अवेलेबल जिन्होंने पैराग्लाइडिंग के लिए जाना था अभी, वो इनको देख के काफ़ी उनको बूस्ट अप मिला। और जो दो तीन लड़के लड़कियाँ ऐसे थे कि जो जाना नहीं चाह रहे थे, जो डेयर नहीं कर पा रहे थे, इनको देखने के बाद उन्होंने डेयर लिया कि वो भी जाएंगे और फ्लाइट करेंगे। और मेरे को मैंने आज तक ऐसा अपना बर्थडे नहीं मनाया जो मैंने इस बार अपनी माता जी के साथ मनाया, और मेरे को बड़ा खुशी हुई कि काफ़ी अच्छा मेरा बर्थडे रहा, हम दोनों ने बहुत इंजॉय किया।